तो सर, आज हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक आपका पुराने टॉपिक से रिलेटेड ही है। जैसे आपने पिछले टॉपिक्स में आपने देखा कि सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद मैंने वर्ड्स के बारे में बताया था, और आज हम नई टॉपिक स्टार्ट करें, इसका नाम CSV। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता रहे हैं सर कि ये जो टॉपिक्स आपके पास आ रहे हैं, आपने सोचा होगा कि GST के जमाने में सर सिंटैक्स और वर्ड बाहर है। आपको ये बता दूँ कि जितने भी अगर GST आपको बहुत डीपली स्टडी करना है या जो नए यूजर GST सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए पुराने टैक्स को जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक पुराने टैक्स को वो डीपली नहीं जानेंगे, तब तक GST में प्रॉपर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे या अच्छे से अपने काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पुराने टैक्सेस को डिटेल्स पे एक चीज समझाया जा रहा है, जिससे GST में काम करने में वो काफ़ी आसान हो जाए। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पुराने टैक्स की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है CST। CST क्या होता है, CST कब रिलीज किया गया था और CST की हिस्ट्री क्या है। तो उसके आज हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द CST? CST किसे कहते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द CST, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल टैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बिक्री कर। तो आज हम किस किस टॉपिक के बारे में जानेंगे, ये टॉपिक आपके स्क्रीन पे, CST के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग स्टडी आज करेंगे। तो इसका नाम पहला सेंट्रल सेल टैक्स इन इंडिया, यानी भारत में केंद्रीय कर राज कब लागू हुआ था। नंबर टू, सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956, यानी केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 क्या होता है। नंबर थर्ड, सेंट्रल सेल टैक्स रेट कितना परसेंट लगता है। नंबर फोर्थ, व्हाट इज द सेंट्रल सेल टैक्स, यानी केंद्रीय बिक्री कर क्या होता है। नंबर फाइव, CST कैलकुलेट रिपोर्ट फॉर परचेज इनवॉइस बिल। एंड नंबर सिक्स, CST कैलकुलेट सेल इनवॉइस बिल। एंड नंबर सेवन, CST रिटर्न। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल सेल टैक्स इन इंडिया। इंडिया इज ए यूनियन स्टेट एंड द थ्रू ऑफ आवर कंट्री लाइंस इन इट्स एबिलिटी टू द हैंडल दीज स्टेट कलेक्टिवली विच इज वेयर सेंट्रल सेल टैक्स कम इन टू पे बाय द एलिमिनेटिंग एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द इंटर ट्रेड टैक्स। द सेंट्रल सेल टैक्स कम इन टू द एक्सटेंस थ्रू एक्ट of tax parliament was enacted in 1956 to regulate sale of commodities and taxes regulating such sales. Although the CST is levied by the central government and fall under the union list of seven schedules, it is administered by the state in which a particular sale originates. A trade dealing in goods which involve interstate trade is expected to pay both the state sales tax and the central sale tax on the such transactions. तो चलिए स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। भारत में केंद्रीय राजकर, भारत में केंद्रीय राजकर भारत राज्यों का एक संघ है और हमारे देश की ताकत इन राज्यों को सामूहिक रूप से संभालने की क्षमता में निहित है। जहां अंतर व्यापार कर एक संबंधों में किसी भी भ्रम को दूर करके केंद्रीय बिक्री कर लागू होता है। केंद्रीय बिक्री कर संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया है और वस्तुओं की बिक्री और ऐसी बिक्री को विनियमित करने वाले करों को विनियमित करने के लिए वर्ष 1956 में अधिनियम किया गया था। हालांकि CST केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। यह उस राज्य द्वारा प्रकाशित होता है जिसमें एक विशेष बिक्री शुरू होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मामलों का व्यापार करने वाले व्यापारियों से ऐसे लेन देन पर राज्य बिक्री कर और केंद्रीय बिक्री कर दोनों का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। तो चलिए पॉइंट नंबर टू, द सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956। द सेल टैक्स इन इंडिया
फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956 विच एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एंड डिफाइंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइन सेल टैक्स. दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द सिक्स कंस्टिट्यूशनल्स amended and brought the tax on sale purchase of goods in interstate trade under the purview of the legislative justification of parliament. This act come into the force in 1957 and formed the backbone for the central sales tax in India, the containing various provision for the same. चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956. भारत में बिक्री कर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के दायरे में आता है जो पूरे भारत तक फैला हुआ है और बिक्री कर का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों को परिभाषित करता है. यह अधिनियम छठवें संवैधानिक संशोधन में पेश किया गया था और अंतरराज्य व्यापार में वस्तुओं की बिक्री खरीद पर करों को संसद के विधायी क्षेत्रीय अधिकारियों के दायरे में लगाया जाता था. यह अधिनियम 1957 में लागू हुआ था और आज भारत में केंद्रीय बिक्री कर की ऋण बना है जिसमें इसके लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं. लोकल टैक्स रेट द सेंट्रल सेल टैक्स द गुड्स एग्जेम्प्टेड फॉर द लोकल टैक्स व्हेन सेल्स थ्रू रजिस्टर्ड डीलर्स. यानी किसी प्रोडक्ट पे 2% लगता है, किसी प्रोडक्ट पे 4% लगता है. जिस प्रोडक्ट पे फॉर्म सी फाइल किया जाता है उसमें सरकार आपको 2% की ITC छूट देता है. स्टूडेंट चलते हैं अगले टॉपिक पे. व्हाट इज द सेंट्रल सेल टैक्स. क्या है सेंट्रल सेल टैक्स? रेफर टू द टैक्स लेवी ऑन द जनरेटेड ड्यूरिंग इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्रीज. इन इंश्योर इट इज द टैक्स ऑन हैज टू pay on the sale of goods which are sold through interstate trade. The central sell tax CST, it is indirect tax, the origin based tax on customer, and it is payable to the state where a particular product is sold. CST is charged only on interstate transactions and any transaction within a state or import export of goods does not fall under its purview. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने. केंद्रीय बिक्री कर क्या है? केंद्रीय बिक्री कर से तात्पर्य किसी देश में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान उत्पन्न बिक्री पर लगाए जाने वाले कर से है. संक्षेप में यह वह कर है जो किसी व्यक्ति को अंतर्राज्यीय व्यापार के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं की बिक्री पर देना होता है. केंद्रीय बिक्री कर CST एक अप्रत्यक्ष कर है जो ग्राहक पर मूल आधारित कर है और यह उस राज्य में देय होता है जहां कोई विशेष उत्पादन बेचा जाता है. CST केवल अंतर्राज्यीय लेन देन पर लागू लगाया जाता है और राज्य के भीतर कोई भी लेन देन या माल पर आयात निर्यात इसके दायरे में नहीं आता है. आशा है इसमें आपको समझ में आया होगा कि CST क्या होता है और CST किसे कहते हैं. हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वीडियो को अच्छा लगे तो उसको अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो वीडियो बनाया जा रहा है वो एक टैक्स को देखते हुए तैयार किया जा रहा है जिसमें आप किसी भी फॉर्म का अकाउंटेंसी या GST में प्रॉपर आपको नॉलेज हो सके. तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. आज के लिए नमस्कार.